हेलो एवरीवन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ए फ्लूड इन विच रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन दीयर स्ट्रेस इज नोन एज तो करेक्ट आंसर होगा इसका न्यूटोनियन फ्लूड ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट होगा जो न्यूटोनियन फ्लूड होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है सीयर स्ट्रेस पर ठीक है ये जो नीचे वाली लाइन है एन इज ग्रेटर देन वन ये होती है सीडो की ठीक है और ये ऊपर वाली होती है डिलाटेंट की ये भी आपको याद रखना है डिलाटेंट फ्लूड और ये वाली लाइन होती है ऊपर जो लीनियर होती है वो होती है बिंगम बिंगम प्लास्टिक की ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट होगा न्यूटोनियन के लिए लीनियर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंसन लेस क्वान्टिटी इनमें से डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है ये हमसे पूछा है स्पेसिक ग्रेविटी ये डायमेंशन लेस होती है क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूड का बेट का भाग लग जाता है तो दोनों के बेट कट जाते हैं ठीक है एक ही जैसी चीज़ होती है तो स्पेसिक ग्रेविटी डायमेंशन लेस होती है प्रेशर कॉपिशियंट ये भी डायमेंशन लेस होता है डेर सी वेस्ट वेक्शन फैक्टर ये भी डायमेंशन लेस होता है कानामेटिक बिस्कोसिटी ये डायमेंशन लेस नहीं होती है क्यूं? क्यों क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये इसकी डायमेंशन होती है और कानामेटिक बिस्कोसिटी को हम स्टोक में भी मापते हैं ये भी आपको याद रखना है वन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू होता है टेन टू दी पावर फोर स्टोक ठीक है ये भी आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है कायनामेटिक बिस्कोसिटी इज इक्वल टू तो कायनामेटिक बिस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है डायनामेटिक बिस्कोसिटी म्यू अपॉन रो म्यू अपॉन रो ठीक है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वन पॉइज इज इक्वलन टू एक पॉइज बराबर क्या होता है एक पॉइज बराबर होता है वन अपॉन टेन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है ये होता है एक पॉइज बराबर तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखा है छत्तीस सौ किलोग्राम मीटर पर आवर ये भी सही है टेन टू दी पावर माइनस के वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये भी सही है और वन डाइन सेकंड पर सेमी स्क्वायर ये भी सही है तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्हें फ्लोइंग फ्लूड ए पार्टिकल्स में प्रोसेस जो फ्लोइंग फ्लूड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनिशियल एनर्जी इनर्शियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन तीनों को रखता है ठीक है ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर वेन द रियोग्राम फॉर ए फ्लूड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन द फ्लूड इज सेड टू बी करेक्ट आंसर ए न्यूटोनियन जो रियोग्राम है वो यदि ओरिजन से पास हो रहा है और लीनियरली हो रहा है स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो उसको बोला जाएगा न्यूटोनियन ठीक है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा रेशियो नीटा नीटाइजकल टू रो अपॉन डी यू वाई डी वाई फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड डिपेंडेंट अपॉन फ्लो एंड डेंसिटी तो करेक्ट है बी ऑप्शन डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और फ्लो और फ्लो पर भी डिपेंड कर रहा है ए प्रेशर ऑफ 500 सौ किलो पासकल अप्लाई टू टू मीटर क्यू ऑफ लिक्विड रिजल्ट इन ए वॉल्यूम चेंज ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर मीटर क्यू द बल्क मॉडुलस इन मेगा पासकल इज बल्क मॉडुलस पूछा है हमसे तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा ठीक है और क्या होता है फॉर्मूला माइनस के बन अपॉन बी डी बी अपोन डी पी ये होता है बल्क मरूडस का फॉर्मूला सारी चीज़ें आपको दे रखी है वॉल्यूम चेंज दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है और डी पी भी दे रखा है ठीक है तो यहाँ से बल्क मरूडस आप निकाल लोगे करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन ऐसा यूनिट ऑफ काइनामेटिक बिस्कोसिटीज काइनामेटिक बिस्कोसिटी होती है न्यू इज कल टू म्यू अपॉन रो इसकी ऐसा SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ऐसा SI यूनिट हो जाएगी किलोग्राम अपॉन म्यू क्या होती है बिस्कोसिटी इसकी होती है किलोग्राम मीटर सेकेंड अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यू ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये निकल के आ जाएगी इसकी आइनामेटिक बिस्कोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इफ ल्यूड विच सेटिस्फाइड द रिलेशन टॉय इजकल टू म्यू डी यूवाई डी वाई वे टॉय इज हियर स्ट्रेस न्यू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रिपोर्शनलिटी डी यू बाई डी वाई इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज करेक्ट आंसर है न्यूटोनियन फ्लूड जो टॉय बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई की रिलेशनशिप को फॉलो करता है उस फ्लूड को बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूड ए ऑप्शन करेक्ट है